जो है इन सब में, इन सब के मन में बहुत जो है बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी तो अपने विचार व्यक्त किए, जैसे अपने विचार व्यक्त किए पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या बोले कि यदि कन्याकुमारी का कोई गांव हिंसा का पालन अहिंसा का पालन नहीं करता तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जाए। ये स्टेटमेंट है, पूछ सकता है कई बार, ठीक है। ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस जी का कोटेशन था कि ऐसे समय में जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पे हो, आंदोलन को अचानक रोक देना किसी राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कहा कि ये सारे लोग गांधी जी से के खिलाफ थे, ये नहीं चाहते थे कि आंदोलन इस घटना के कारण रुके, ठीक। तो हुआ यूं कि गांधी जी की लोकप्रियता में एकदम से कमी आ गई और गांधी जी को बंदी बना लिया गया और 6 वर्ष की सजा गांधी जी को दे दी गई। ये बोलते कि आपने शुरुआत, मूल कारण आप ही हो, आप ही ने सब करवाया, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए 1924 में उनको रिहा कर दिया गया था। अब चूंकि एक निर्वात वैक्यूम क्रिएट हो गया कि क्या करें लोग, जो इतना तीव्र गति से आंदोलन चल रहा था, माहौल बना हुआ था, वो एकदम से बंद हो गया। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक तो जो गांधी जी के कट्टर समर्थक थे जिनको हम अपरिवर्तनवादी कहते हैं, इसमें क्या थे, अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल बोलते थे गांधी जी ने बोला है तो कुछ सोच के और पर्याप्त विश्लेषण करने के उपरांत ये काम किया है, तो इन लोग बिल्कुल गांधी जी के साथ रहे, अपरिवर्तनवादी कहलाए। दूसरा ग्रुप था परिवर्तनवादी, जिनका मानना था कि नहीं, गांधी जी ने काम सही नहीं किया है। उस परिवर्तनवादी ग्रुप में कौन कौन थे बताएं कोई? परिवर्तनवादी ग्रुप में मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास। हाँ, वेरी गुड। मोतीलाल नेहरू थे, चितरंजन दास थे, जयकर थे, विठल भाई पटेल थे, ठीक है, ये सब लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी बनाई। तो हम स्वराज पार्टी पर थोड़ा चर्चा कर लें, इसके पहले हम ये बताएं कि कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में जो हुआ वो गया में हुआ। कहां गया? बिहार में, जो गया में। और वहां इन्होंने इनको जब पता चला कि हम जो है हमारा समर्थन ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, चितरंजन दास जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसमें चितरंजन दास जो है अध्यक्ष थे और पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के महामंत्री थे। तो इन्होंने जब देखा कि गांधी जी के समर्थक ज्यादा हैं, हमारे समर्थक नहीं है, जबकि हम गांधी जी के विचारों से संतुष्ट नहीं है, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इतना नाम था। बाद में कांग्रेस के निजाम ने उनको समझाया कि भाई बना लो यार अलग पार्टी, लेकिन ऐसा क्यों रख रहे हो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, सिंपल रखो, स्वराज पार्टी रख लो आप। इन्होंने फिर नाम रख दिया स्वराज पार्टी और उसके अध्यक्ष कौन बने, चितरंजन दास और ये मोतीलाल नेहरू उपाध्यक्ष और इन्होंने विठ्ठललाल भाई पटेल जयकर लोग थे। इनका काम यह था, किस बात को मतभेद होकर बनाई थी, इनका काम था कि जो स्थानीय विधान परिषदें हैं उसमें हम चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय विधान परिषद में भी, स्टेट वाली में भी, और वहां अंदर से जाके सरकार को हम अवरोध उत्पन्न करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। तो हुआ भी अच्छा, 1922 में बनी और 1923 में जब चुनाव हुए तो इनको काफी अधिक सफलता मिली। जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें से 101 सीटों में से 42 सीटें जीती, कई स्टेट्स में भी इनको समर्थन मिला, ठीक है। यहां तक कि जब 1925 में केंद्रीय विधान परिषद, जिसको हम केंद्रीय, यहाँ भले ही हम विधान परिषद शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो आजकल आपका सेंट्रल की सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, विठल भाई पटेल उसके अध्यक्ष ने 1925 में। लेकिन 1925 के अंतिम दिनों में चितरंजन दास की मृत्यु हो गई और फिर ये पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। फिर थोड़ा बहुत रोल रहा लेकिन ज्यादा आगे आप इसका नाम नहीं सुनेंगे। तो एक शब्द हमने बताया कि जो कांग्रेस का गया में हुआ था, गया बिहार में है, गया की क्या विशेषता है, बोध गया वही है, बोध गया की क्या स्पेशलिटी है बताइए। सर, गौतम बुद्ध ने अपनी विद्या प्राप्त की थी, उनको ज्ञानत्व की प्राप्ति हुई थी। आवाज कट कट के आ रही है। प्रथम गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था बोध गया में। हाँ हाँ, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और प्रथम उपदेश भी। प्रथम उपदेश बोध गया में नहीं दिया था, बताइए कौन है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? प्रथम देखिए, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको संबोधि बोलते हैं और जो प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये जो है अपना बोध गया वाला, वहाँ पीपल का किस वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और उस पीपल के पेड़ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी है। वो कई पीढ़ी, एक के बाद एक दूसरा पीपल हो गया होगा, तो कई पीढ़ियों से वो पीपल सुरक्षित है, और क्योंकि वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी शाखाओं को काटा भी नहीं जाता, पता है? इसलिए उसके रखाव के लिए FRI के साइंटिस्ट को नियुक्त किया गया है। एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिवीजन होता है FRI का, तो उसको नियुक्त किया गया है ताकि उसके उस पीपल के पेड़ की इम्पोर्टेंस ही आप देखिए। FRI क्या है वैसे? देहरादून, उत्तराखंड में। ओके, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है FRI का, और वहां से जो है कि वहां जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के विंग है उसको यहाँ पे रखा गया है। देहरादून इस दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिए वहाँ फॉरेस्ट, वहीं FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं बगल में जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो ये मैप वगैरह फॉरेस्ट की जो है ना, सर्वे ऑफ इंडिया, वो वहीं पर है। उसी के पीछे जाएंगे तो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। वहीं पर जो है WII है, WII क्या है, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पूछते हैं ना कई बार आपके, नवी टॉपिक में है, किस टॉपिक में है? नाइंथ टॉपिक। हाँ, तो WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी वही है। सॉइल वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन जो इंस्टीट्यूट है इंडिया लेवल का, वो भी वही है। तो ये तो ऐसी यूं ही बात चल निकली कि आपको सारी चीजें जो हैं, एक ये जो ये डेटा वाली चीजें हैं, ये भी अलग से आपको याद रखना है। अब हम वापस आ जाएं। हाँ सर, वो इनका पेड़ किसी शासक ने कटवा भी दिया था मेडिकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किट कटवाया था, कौन बताएंगे किसने कटवाया? सर शशांक ने कटवाया। कौन कौन था शशांक, कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। हाँ, बंगाल में एक जगह है गौड़ नरेश शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को समाप्त करने चाहते थे। अब वापस आ जाए हम स्वराज पार्टी हमने पढ़ लिया। अब हम देखें, एक हमने दो चीजें देख लिया कि आंदोलन जब स्थगित हुआ, एक तरफ कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी लोग थे, दूसरी तरफ परिवर्तनवादी लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाया, एक और तीसरा दल विंग भी था, तीसरा विंग था नवयुवकों का, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां फिर तेज कर दी। उनको लगा कि गांधी जी के आंदोलन की वजह से तो कुछ होने से रहा, उन्हें तत्कालीन समय में लगा, इसलिए क्यों ना हम हिंसक तरीके से ही आजादी प्राप्त कर लें। तो ये गतिविधियां भी दो तीन हुई, दो चार पॉइंट उसके भी आपको याद रखना है। मैं चीजें देखिए वो चीजें पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या पिछले कई परीक्षाओं में पूछी गई। मैं मेरी कोशिश रहती है कि फालतू डेटा ना बताकर मैं सिर्फ काम की चीजें आपको बताऊं। तो मैं अभी जो सेकंड फर्स्ट फेज की क्रांतिकारी गतिविधि हमने देख चुके थे, अब जो सेकंड फेज की क्रांतिकारी गतिविधि, हमने दो तीन घटनाएं हम उसके से मतलब। पहली घटना है 1924 में HRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, HRA। तो इसकी स्थापना की थी 1924 में, पता है क्या किसको किसने की थी? लोग थे हाँ, कहाँ हुआ था सम्मेलन? कानपुर, लखनऊ में हुई थी सर। कानपुर नहीं है, लखनऊ में। देखिए HRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, और ये लखनऊ में हुआ था। उस समय लखनऊ में कई लोग इकट्ठे हुए क्रांतिकारी, जिसमें पुराने क्रांतिकारी जो थे सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल लोग थे, जो नए रंगरूप थे उस समय, उनको नए रंगरूप बोल दीजिए, बाद में वो भी बहुत अच्छे हो गए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है, अशफाक उल्ला खान, ये नए थे। पुराने में कौन थे? सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह। इन्होंने HRA की स्थापना की थी, और इस संगठन के क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। अब इस क्रांतिकारी संगठन के लोग कई गतिविधियों को अंजाम देते थे, उसमें से एक घटना बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है काकोरी कांड। तो कब हुआ था बता दें कोई? 1925। डेट बता दें तो और अच्छा है, क्योंकि डेट सहित पूछा जाता है। 3 अगस्त। 9 अगस्त। 9 अगस्त है, 9 अगस्त। ठीक है, आप सुनिए, अब कुछ चीजें क्या होती हैं इतिहास में, डेट पूछी जाती हैं, और कुछ में तो आपका सन भर याद रहेगा, कुछ तो मोटा मोटा याद रहेगा तो भी चलेगा। तो 9 अगस्त 1925 की बात है। ये हुआ ये था कि जो क्रांतिकारी हैं इस HRA संगठन के, इनको धन की आवश्यकता थी, और इस धन की आवश्यकता की वजह से क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया
कि काकोरी स्टेशन सुनसान वाला है, वहां पर जो सरकारी खजाना ट्रेन से जा रहा है वहां पे हम उसको लूट लेंगे। 10-11 क्रांतिकारियों का जो है एक संगठन था इसमें, और काकोरी जो है वो लखनऊ के पास में है, लखनऊ और गोरखपुर उस पर है। काकोरी एक्सप्रेस चलती भी, आप देखेंगे गूगल में काकोरी एक्सप्रेस भी चलती है, काकोरी नहीं है वो, एक मिनट जस्ट मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ कोई चीज़ को, मैं फिर से उसको देखूंगा बताऊंगा कि काकोरी एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, ये पता है कि लखनऊ के आसपास है, आप लोग और देखिएगा। तो इस काकोरी में जो मेन घटना हुई थी कि 9 अगस्त 1925 में 10-11 क्रांतिकारी थे जिन्होंने सरकारी खजाना लूटा था। हुआ ये कि चंद्रशेखर आजाद उसमें रह गए थे, चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़ में नहीं आए, वो भी इस कांड में शामिल थे। उसमें से फिर जब 2 साल के मुकदमे के बाद जब सजा सुनाई गई तो रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा हुई। सचिंद्र सन्याल जो थे उनको आजीवन कारावास हुआ और अन्य जो लोग थे उनको भी कुछ एक एक दो दो साल की सजाएं हुई। तो ये आपको याद के ये सब बता क्यों रहा हूँ, काकोरी केस की घटना याद रखना है, डेट याद रखना है आपको, रामप्रसाद बिस्मिल जो चार की बात हुई, रामप्रसाद बिस्मिल से लेकर अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जिनको फांसी हुई, ये याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि एचआरए संगठन के सदस्य थे, काकोरी में हुआ था और ये लखनऊ के पास का लखनऊ जिले में स्थित स्टेशन। अब हम इसी के आगे जाएं तो चूंकि समाजवाद का वर्चस्व बढ़ रहा था तो 1924 में जो एचआरए बना था 1928 में वो एचएसआरए हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गया, एसोसिएशन हो गया। अभी एचआरए था, अब क्या हो गया, एचएसआरए, सोशलिस्ट वर्ड और उसमें जुड़ गया। ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान जो है जहाँ क्रिकेट वगैरह होते हैं वहां पर ये बैठक हुई थी, और उस समय इसकी अध्यक्षता की थी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने, जबकि पहले वाला जो 1924 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था सचिंद्र सन्याल ने। तो एचआरए और फिर काकोरी कांड, फिर एचएसआरए, ये घटना हमने देख लिया, ये हमने क्रांतिकारियों का सेकंड फेज देख लिया। इसी समय कुछ और घटनाएं हुई, जैसे साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट हुई, नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम हुए, और जब ये इन सब ये सफल कुछ नहीं हो पाया तब क्या हुआ, फाइनली फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बन गई। तो अब हम देखें साइमन कमीशन कब आया था और क्यों आया था, कौन बताएगा? 1927 में सर वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सर 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसी की जांच, मतलब जो 10 साल का जो नियम निकलता था करके हम ऐसे ऐसे राज्य करेंगे उसी की जांच करने के लिए आया था सर साइमन कमीशन 1928 में, और उसमें अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी सर, इसके कारण इसका विरोध हो रहा था, और अपने हिंदुस्तानी की संख्या कम थी इसके कारण विरोध हो रहा था सर। कितने सदस्य थे उसमें, कितने हिंदुस्तानी थे, उसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था, उनके साथ में एक और उनके मेंबर थे, ऐसे 3 मेंबर्स की कमिटी थी सर। नहीं आप कहीं और चले गए, फिर से देखिएगा, देखिए कोई बात नहीं, इंडियन से एक भी नहीं थे, ठीक है आप बिल्कुल इंडियन से एक भी थे। हाँ बिल्कुल सही, आप सुनिए आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। 7 सदस्यीय दल था, अब क्यों आया था सबसे पहले इस प्रश्न पे विचार करें, तो जो 1919 का एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसमें बोला गया था कि भारतीयों को किस तरीके से संवैधानिक विकास हमारे देश का किया जाना है, इसके लिए हर 10 साल में, इसके पहले भी पार्लियामेंट एक्ट के समय से चल रहा था, 1909 में पार्लियामेंट एक्ट आया, फिर 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, ठीक है 10 साल बाद आया, अब अगला भी इसको भी 10 साल बाद आना था, क्यों आना था कि भारत में किस तरीके से संवैधानिक सुधार किए जाए इसके लिए आना था। तो क्योंकि इस तरीके की घटनाएं काफी तेजी से हुई, अन्य घटनाएं, इसलिए शासन ने पहले एडवांस में 2-3 साल पहले ही वो साइमन कमीशन भेज दिया ताकि वो फाइनलाइज कर सके कि किस तरीके से संवैधानिक सुधार करना है। ये तो रीजन हो गया कि क्यों आया था। दिसंबर नवंबर के आसपास वो आप यहाँ इंडिया कब आया, 1928 में आया, बना 27 में आखिरी में बना, 28 में इंडिया आया। अब इंडिया में पूर्वाग्रह था ना, पहले से विरोध प्रदर्शन करने लगे, तो क्यों ऐसा हुआ, पूर्वाग्रह क्यों था, विरोध प्रदर्शन के 2 कारण थे मेन। पहला कारण ये था
कि इसमें 7 सदस्य थे, पूरे के पूरे अंग्रेज थे। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। व्हाइट मैन मतलब पूरे पूरे ब्रिटिशर्स थे, भारतीय कोई नहीं थे। नंबर वन विरोध का नाम एक कारण यह हुआ, इसलिए क्योंकि देखिए हमारा संविधान बनना है, हमें किस तरीके का वो मिलना है, संवैधानिक सुविधाएं, इसका डिसीजन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है, तो विरोध तो होना स्वाभाविक था। अरे जिस चीज के लिए पता चला, हम आपकी कोचिंग के लिए बात कर रहे हैं या आपके पढ़ाने के लिए बात करें कि हम आपको पढ़ाएंगे, और पता चला आपसे कुछ भी ना वो चर्चा करें तो उचित नहीं होगा, तो इसलिए विरोध हुआ। नंबर दो क्या हुआ? दूसरा कारण ये था कि इसमें क्योंकि भारतीयों को 1928 तक पहले लग रहा था कि अब जो है जो भी संवैधानिक विकास होगा उसमें कोई बाहर से कमीशन नहीं आएगा, बल्कि सारे के सारे मेंबर ये हमसे पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे सामने कमीशन हुआ तो ये तय हो गया, ये पता चल गया भारतीयों को कि ब्रिटिश सरकार हमारे संवैधानिक विकास के प्रति सचेत नहीं है, कि नहीं चाहती किस तरीके के काम हो। ये दूसरा कारण था। तो सीधी सी बात है, जैसे आया तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, सब नारे लगाए जाने लगे। पूरे देश में हड़ताल हुई, मुंबई में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, हर जगह हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा घटना फेमस कहाँ की हुई, जहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ या मतलब इस तरीके का इंसिडेंस हुआ था, कहाँ का है? लाला लाजपत राय। तो देखिए ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत एक नेता है, इन्होंने भी लाठियां खाई थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठियों से, तो शहीद हो गए। इस कारण वहां की घटना इतिहास में इंपॉर्टेंट है। वहां ये हुआ था कि वहां भी इसी का विरोध हो रहा था, और वहां जो एसपी था वो जेम्स स्कॉट था। याद रखिएगा आप, एसपी का नाम आपको कम जगह मिलेगा। एसपी जो था वहां पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट, और जो एडिशनल एसपी था वो सैंडर्स था, ठीक है, सैंडर्स का नाम अक्सर आपने सुना होगा। तो लाला लाजपत राय पे जो है भीड़ के दौरान लाठी चार्ज हुआ, और ये उसी घटना से खत्म हो गए। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनमानस था, युवा थे, बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए, और इन्होंने सोचा कि यार स्कॉट और सैंडर्स को जो है वो उनकी हत्या कर दी जाए। तो इसी उसमें फिर बाद में सैंडर्स हत्याकांड केस भी हुआ। स्कॉट को ही मारने का प्लान था, लेकिन गोली जो है वो सैंडर्स को लग गई थी। तो घटना आपको पता होगा, पढ़ लेंगे। तो ये हुआ साइमन कमीशन से। लेकिन ऐसा नहीं है, साइमन कमीशन आया, भले ही उसका गोबैक के नारे लगे, लेकिन उन्होंने अपना डिटेल दिया, अध्ययन किया, और जो 1935 का जो एक्ट आया भारत में, उसमें साइमन कमीशन द्वारा दी गई अधिकांश जो सिफारिशें उसको 1935 के एक्ट में शामिल कर लिया गया था। अब इसी समय क्या हुआ, एक नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट का एक बार तो पीएससी में बड़ा सिंपल, कई बार पीएससी में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो सोचा नहीं जा सकता, इतने सरल। उसमें यह था कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक और नाम दे दिया, इनमें से कोई नहीं, किससे है? मोतीलाल नेहरू। लेकिन जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए मोतीलाल नेहरू बहुत आसान। कई प्रसिद्ध कमीशन आयोग जो जब पेपर निकालता है तो वो उसका ये तरीका होता है कि आप कुछ प्रश्न जो है बहुत ही आसान हो, जब आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न तो आपको बड़े बड़े बहुत आसान लगेंगे, कुछ मध्यम स्तर के होंगे, कुछ थोड़ा कठिन होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे कि वो किसी से ना बन पाए। अब वो बोधन दउआ जैसा कुछ दे देगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो उन प्रश्नों से डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार आया था कोई एमपी के हिस्ट्री का बोधन दउआ जो था, जनरली नहीं पता था लोगों को, तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको 100 में से 100 नहीं करना। आपका यदि 90 जाता तो वेल एंड गुड, 85-80 तक भी ठीक है आराम से। तो इसलिए ऐसे एक ही पता चला आपको, कोई वीकर सेक्शन है आपका, कोई कमजोर पक्ष है किसी पर्टिकुलर सिलेबस में किसी भाग का, उसको लेके आपको टेंशन में नहीं आना, घबराना नहीं, क्योंकि आपके पास बाकी चीजें भी हैं, उसमें आप स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। आपको ओवरऑल बनना चाहिए, सिलेक्शन के लिए वहां कटा तक जाना चाहिए। तो इस तरीके की घटनाएं हुई, और जैसे ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में पता है तो उसकी कहानी भी मैं आपको बता दूं। देखिए मैं इसलिए बता देता हूं, जो आप जैसे अभी जो लड़के हैं इसमें स्टूडेंट, उसमें से आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ग्रुप में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, तो हम सारी चीजें क्लियर करते जाते हैं। जो भारत सचिव थे लॉर्ड बिर्किनहेड, उन्होंने चैलेंज किया था भारतीयों को कि जो संवैधानिक विकास की बात आ रही है वो उसका जो है संबंध अंग्रेज और भारतीयों से नहीं है। बोले हम तो मान लेंगे आपकी बात को, आपके जो भारतीय हैं आपस में वही तैयार नहीं है, मतलब जो प्रॉब्लम है बोले हमारा नहीं है, प्रॉब्लम आपका है, आपका जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, अन्य कई हिंदू महासभा कई पार्टीज हैं, इनमें ही आपस में वो एकमत नहीं है आप लोग,
यदि आप लोग बोले कोई ऐसा संविधान बना के दें जो सभी लोग मानने को तैयार हों तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। ये किसने बोला था? भारत सचिवलाल बिर्किन हेड ने। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उसमें जो है बहुत सारी संस्थाएं जो उस समय काम कर रही थी 29 से अधिक उस सबके सदस्य शामिल हुए और उन्होंने बोला कि अरे किस तरीके का संविधान बना के देते हैं जो सबको मंजूर होगा, और बना भी वो 28 में और वो दिया भी गया ब्रिटिश शासन को। लेकिन वो दिया ही है और उसके कुछ महीनों बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रख दी कि नहीं बोले हम इससे सहमत नहीं है। तो फिर उस समय मौका उनको मिल गया कि देखिए भाई आपने अभी जस्ट दिया और इसका मतलब आप आपस में ही सहमत नहीं है, तो आपको नेहरू रिपोर्ट देखना है कि किससे संबंधित था। फिर जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्री मांगे थी जिसमें से उन्होंने कई मांगे रखा था कि मुस्लिमों के लिए विधान परिषदों में ये स्थान निश्चित किए जाएं, बहुत सारी मांगे थी। अभी जो जो डिटेल की जब बात करेंगे तो मेंस की बात हो जाएगी, अभी मैं डेटा अपन चर्चा करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो ये चीजें हुई, इन घटनाओं की परिणति क्या हुई, नेहरू रिपोर्ट भी असफल हो गई, ठीक है, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे भी नहीं मानी गई। इन सब का ये परिणाम हुआ कि अब एक फिर निर्वाद सा बनने लगा, फिर गांधी जी को लगने लगा कि यार एक कोई नया आंदोलन की आवश्यकता इस समय है, और उसी की परिणति थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इरविन थे उस समय वायसराय, इरविन ने कांग्रेस के बारे में कहा था जैसे उन्होंने देखा कि जिन्ना ने विरोध किया है नेहरू रिपोर्ट का, तो इन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की संस्था क्योंकि है ही नहीं, बोले हिंदू उठा रहे हैं सिर्फ इसमें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो हम बात करें उसमें ये कहानी है कि गांधी जी को लगा कि यार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठा कि किस तरीके से एक शुरुआत कैसे करें, इंट्रोडक्शन इसका कैसे करें, है ना। तो उसके लिए उन्होंने नमक कानून सोचा, नमक का कानून तोड़कर बोले हम इसको इंट्रोडक्शन करेंगे दांडी या मार्च वाली। तो गांधी जी कोई भी काम अचानक नहीं करते थे, अंग्रेजों को विधिवत पूर्व सूचना देते थे। उन्होंने तत्कालीन वायसराय इरविन को सूचना दिया और अपनी 11 मांगे रखी जिसको 11 सूत्री मांगे रखते हैं, और उन्होंने बोला 30 जनवरी 1930 को ये उन्होंने सूचना दिया था, बोला था कि 12 मार्च तक ये मांगे हमारी मान लीजिए, यदि आप नहीं मानते तो हम स्वराज के लिए काम करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। मांगे उन्होंने सिंपल से रखी थी कि नमक कानून जो तटीय क्षेत्र को उसके एरिया के लोग हमको नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, मद्य निषेध किया जाए, मद्य की दुकानों में धरना प्रदर्शन की परमिशन दी जाए, हथियारों की जो भारतीयों को हथियार रखने की परमिशन दी जाए जिनमें बहुत ज्यादा सैलरी है ऐसे पदों की संख्या में कटौती की जाए, इम्पोर्ट का टैक्स इम्पोर्ट किया जाए, ऐसे बहुत सारी मांगे थी। 11 सरकार ने नहीं मानी इन मांगों को। फाइनली क्या हुआ, 12 मार्च को उन्होंने आंदोलन का श्री गणेश किया। कहां से कहां तक गए थे और कब गए थे बताएं कुछ कोई? सर साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे सर। हाँ, 358 किलोमीटर था ये डिस्टेंस। दांडी किस जिले में आता है, कहां पर है? जिला याद नहीं। कर्नाटक? नहीं सर, गुजरात में। गुजरात सर जामनगर पड़ता है सर। जामनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। दांडी यात्रा की कहानी गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने अपना जो सविनय अवज्ञा किया और उनको लगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हम शुरू करेंगे तो कोई धांसू तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने दांडी मार्च नमक कानून तोड़ के किया क्योंकि कोस्टल एरिया के लोगों को अभी नमक बनाने के परमिशन नहीं थे। नमक एक बड़ी एसेंशियल चीज है ना, उसके काफी टैक्स लगाने से जो है उसकी कीमत बढ़ गई थी। और ऐसी स्थिति में गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से निकले और दांडी जो है वो गुजरात में ही है, नवसारी जिले में, और आप दमन दीव देखेंगे ना नीचे, काफी गुजरात के सबसे नीचे तटीय क्षेत्र में वहां मिलेगा आपको। साबरमती से 358 किलोमीटर है, तो वहां से निकले 12 मार्च को और 24 दिन की यात्रा किए और 6 अप्रैल को ये पहुंचे दांडी। 78 अपने सपोर्टर्स के साथ थे। बीच बीच में रास्ते में जो लोग जैसे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं तो गांव वाले हो गए साथ में, उन्होंने आगे गांव की सीमा तक इनको छोड़ा, फिर वापस आगे अगले अगेन आगे गांव वाले होते गए, तो काफी लोगों ने साथ देते रहे। तो ये देखिए आपको इसमें एक लॉजिकल एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन रहा है कि देखिए 12 मार्च को शुरू किया इन्होंने, 24 दिन की यात्रा की, 6 अप्रैल को पहुंचे। देखिए 6 भी आ रहा, 12 भी आ रहा, 24 भी आ रहा, तो डेट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगी उम्मीद है, राइट। 6 अप्रैल को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना, इसलिए अपमान दिवस के रूप में 6 अप्रैल को,
किस अपमान दिवस क्यों मनाया जाता है? सर रीजन तो हमको नहीं पता कि मे बी जब मतलब अंग्रेजों का अपमान हुआ था उस टाइम पे ऐसा मनाया जाता है कि 6 अप्रैल को अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी तो मुझे मैं श्योर नहीं उसको लेके, मैं देखूंगा क्योंकि जब तक एग्जैक्ट जानकारी ना हो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा कुछ, मैं इसको देखूंगा। सर ये MPPSC के लिए पूरा GK करवा रहे हैं कि MPADPU के लिए सर, क्योंकि उसमें तो MP का था कोर्स। ये एक्चुअल में MPPSC के लिए प्लस ADPU, ADPU का सिलेबस मैंने भी बहुत बारीकी से नहीं देखा, लेकिन ADPU में भी क्योंकि 150 का GS आना है और सर उसमें केवल MP का ही है। यस सर MP का है, वैसे वर्ड का और नेशनल का सामयिक GK था तो मुझे लगा कि नहीं नहीं मैं अभी सिलेबस उसके ADPU का नहीं देखा, मैं ये देख लूंगा कि सिर्फ MP का है तो चूंकि ये कॉमन क्लास है ये जो क्लास है हमें ADPU के लिए GK के लिए हमें कोई अलग से फैकल्टी नहीं मिल पाई कि दो क्लास हम अरेंज कर सके, बात हुई थी मैं मजिस्ट्रेट महोदय से तो हमने प्लान बनाया था कि ADPU के स्टूडेंट भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे अभी आपकी MP का अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी क्लास अटेंड करते जाइएगा। यस सर मुझे लगा कि शायद ADPU का था सर, ठीक है MPPSC के। जी सर थैंक यू। जी थैंक आप। ओके तो ये काला दिवस वाली चर्चा में देखेंगे, मैं नेक्स्ट मंडे को क्लास लूंगा, मैं देखूंगा मुझे इसका आइडिया नहीं कि क्या है। यदि अंग्रेजों में अंग्रेज वैसे भी अंग्रेजों का यदि अपमान हुआ तो अंग्रेज कितने लिमिट में थे, लेकिन देखेंगे क्या था ये मामला। तो अभी हमने देख लिया कि ये दांडी मार्च हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो गया। इस आंदोलन की दो तीन बातें खास याद रखिएगा। सबसे पहली बात यह थी कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। इसके पहले के भी आंदोलन होते थे लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो जो नेहरू और जो परिवार की जो महिलाएं थी, कॉलेज की लड़कियां थी, वही पार्टिसिपेशन करती थी। लेकिन गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ, जन आंदोलन के रूप में बदल गया, सामान्य महिलाएं भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन होने लगी। यदि तीनों आंदोलन की बात करें, असहयोग की बात करें, हम भारत छोड़ो की बात करें और ये सविनय अवज्ञा थी, तो सबसे ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसी में रहा। और विदेशी ये जो शराब की दुकानों में धरना है ये काफी बहुत ज्यादा प्रचलन में था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तीन चार घटनाएं इस आंदोलन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है किस दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। जब हम अभी एग्जाम की बात करते हैं तो हम उन्हीं बातों को इंपॉर्टेंट बोलते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह थी कि इस आंदोलन का विस्तार मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र है और इधर नॉर्थ ईस्ट इस एरिए में था, साउथ इंडिया में उतना ज्यादा ये नहीं था। और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान है, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनको जिन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्होंने इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का प्रसार इन्होंने सीमांत क्षेत्र में किया था। ओके एक घटना यह हो गई। दूसरी घटना हुई कि एक गढ़वाल राइफल की बात आती है, चंद्र सिंह गढ़वाली, इसका किसी को पता है ये क्या बात की सिया सविनय अवज्ञा के बीच की? सर ये पठानों को गोली चलाई गई थी राइफल। ओके थैंक यू। तो ये भी अच्छा है, देखिए आप एक तरफ आपने देख लिया कि खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती और इनके माध्यम से जो है इस आंदोलन को सीमांत प्रदेश में फैलाया, वही पख्तून थे एक्चुअल में लोग, वहां उनके उनके दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो गढ़वाल रेजिमेंट थी उसको भेजा। और गढ़वाल जो दुर्गेश वीडियो बंद कर लें आप, तो गढ़वाल रेजिमेंट ने क्या किया कि गढ़वाल रेजिमेंट ने हुआ ये कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे इसके लीडर, उन्होंने जो भारतीय थे आंदोलनकारी उनपे गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, उसकी सजा हुई, उनको सजा दी गई और उनके साथ वाले सारे लोगों को सजा हुई। तो ये भी एक इस बात का इससे क्या पता चलता है, मतलब ये बात की इम्पोर्टेंस ही क्यों है सर? उसके बाद उस क्षेत्र का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद रख दिया गया। नहीं ये गढ़वाल वाले एक तो ये भी ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंस ही क्यों है, इन घटनाओं से क्या पता चलता है? जैसे कि चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो इनकार किया, बड़ा सिंपल सा उत्तर है, कोई कठिन प्रश्न नहीं सर। ये इन्होंने क्रांतिकारी युद्ध में अपना योगदान दिया था।
सर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था गड़ेवाल राइफल ने। राष्ट्रीय दिखता है सर, इससे समझ में आता है कि लोगों का व्यू पॉइंट चेंज होने लग गया था। बस बस ये यही मैं सुनना चाह रहा था राइट, ये अब ये पता चल रहा था कि लोगों का व्यू बदलने लगा है भाई। सेना जो सी इतनी डिसिप्लिन में होती है, आपको पता है पुलिस और सेना में डिसिप्लिन बहुत चलता है, बाकी जगह चले या ना चले तो वहां विशेष रूप से सेना में, पुलिस के पास छोड़ दें तो अब लोगों का व्यू बदलने लगा था। ये इन चीजों की इम्पोर्टेंस ये है। जैसे आप अब ये घटना बीच में हम पढ़ नहीं पाए, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, अब क्योंकि चर्चा आगे तो बता दें, बारदोली सत्याग्रह सबको आपको पता होगा कि ये सरदार पटेल जी से संबंधित है, टैक्स वहां ज्यादा कर दिया गया था तो सरदार पटेल ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, और वहां पर जो 30% टैक्स कर दिया गया था जब आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, तो वहां के जो एक जो ला ऑफिसर और एक रेवेन्यू ऑफिसर मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड थे, उन्होंने कमेटी बनाया और बाद में डिसीजन किया कि 6% जो है 6 point something टैक्स इम्पोज करना है, और सरदार पटेल ने चूंकि सक्सेसफुली इस आंदोलन को लीड किया था तो वहां की महिलाएं भी काफी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी आंदोलन में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये तो सामान्य चीजें हैं, पता होगा गांधी जी भी तैयार थे कि सरदार पटेल को यदि अंदर कर देंगे तो हम भी आंदोलन को लीड करेंगे बाद में, लेकिन हुआ ये कि गांधी जी ने इसमें एक अच्छा से स्टेटमेंट दिया था कि जो बारदोली जैसे सत्याग्रह जो टैक्स को लेकर थे, वो भले ही उनसे सत्याग्रह हमको ना उससे आजादी ना मिले, भाई वो तो टैक्स का वाला आंदोलन था, उससे कहां आजादी के लिए मिला, वो आजादी के लिए थोड़ा किया गया आंदोलन था, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना है हमें आजादी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहे हैं, तो हर चीज आजादी में कहीं ना कहीं जो है किसी ने किसी ना किसी तरीके से वहां जाके बात जा रही थी। तो हमने बारदोली भी इसी बहाने चलिए देख लिया, और वापस हमने ये देख लिया कि सविनय आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान का देख लिया काम, करवाली का काम देख लिया। इसी में एक चीज और है, वो है जियार रंग मूवमेंट आंदोलन, मदोनांग और रानी गिडल्यू वाला, ये किसको पता है सर? ये नागालैंड की बहुत मतलब क्रांतिकारी थी नागालैंड की। हाँ ठीक है, अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, अच्छा लगा मुझे। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि चलिए कोई ना कोई जवाब दे देता, बढ़िया लगता है कि पढ़ाने में युवती थी हाँ नागालैंड की जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सर इनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि भी दिया था। वेरी गुड। अब उसको मैं पूरा बता दूं, है ना, आपने कि मदोनांग करके नागालैंड के नेता थे, उन्होंने ड्यूरिंग सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां काम किया और अंग्रेजों ने उनको पकड़ के फांसी दे दी। अब उनके काम को आगे ये आंदोलन जियार रंग आंदोलन कहलाया, अब उनके काम को कौन आगे बढ़ाया, तो उनकी बहन जो छोटी थी वो गंभीर थी, गडिल्लू जिनका नाम था, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, बाद में इनको भी हालांकि सजा हुई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी, बोले पूरा भारत आपको याद रखेगा, एक समय ऐसा आएगा, और हुआ भी, इसलिए हम याद भी कर रहे हैं और आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की समय की घटनाएं पूछी जाती है। एक और अंतिम जो है घटना आपको याद रखना है वो ये है कि धरसाना विद्रोह जो है धरसाना का संबंध इससे है, ये किसी को पता है? धरसाना बोल दो मुंबई का एरिया है ना धरसाना, वहां क्या है सरोजिनी नायडू सहित 25,000 से अधिक कार्यकर्ता किसी कारखाने में विरोध करने गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और सरकार ने वहां बहुत क्रूरता पूर्वक इनका दमन किया। तो एक अंग्रेजी अखबार था उस समय न्यू फ्रीमैन, उसका एक पत्रकार था वेब मिलर, उसने इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहा था, उसने बोला था वेब मिलर ने कि मैंने अभी तक असंख्य ऐसे आंदोलनों की रिपोर्टिंग किया है लेकिन धरसाना जैसे घटना क्रम जो है आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि सरकार ने इतना क्रूरता पूर्वक दमन किया। तो इस तरीके की जो अंग्रेज भले ही वो वेब मिलर अंग्रेज था और वो रिपोर्टिंग कर रहा था, तो इस तरीके की घटनाओं से इंटरनेशनल लेवल पे भी पता चल रहा था कि किस तरीके से अंग्रेज भारतीयों का दमन कर रहे हैं। तभी बाद में फिर चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार, सभी को लगने लगा था कि भारत को आजादी दिलाई जानी चाहिए। तो ये चीजें हुई। एक और छोटी मोटी चीज है कि समय टैक्स की बात आई कि भाई टैक्स वक्स नहीं देना, नो टैक्स वाली बात हुई मैक्सिमम, ठीक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे कहानी ये हुई कि ये समय सरकार को लगने लगा कि भारत के संवैधानिक विकास के लिए जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला कब हुआ था? 1930 में। हाँ,
और 32 तो 30 31 32 तीन गोल मैच हुए हैं। तो चूंकि पहला जब गोल मैच सम्मेलन हुआ उस समय यहाँ पर सविनय वो ज्ञान आंदोलन चल रहा था, इसलिए कांग्रेस के पार्टिसिपेट्स ने कांग्रेस के किसी सदस्य ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। अब दूसरा जब होने वाला था दिसंबर में, उस समय क्या हुआ, सितंबर दिसंबर में आसपास होते थे, तो उस समय जो है इरविन को लगा, इरविन गांधी जी को पहले बंदी बना लिया गया था सविनय वो ज्ञान आंदोलन के दौरान, तो इरविन को लगा कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए और इनको मनाया जाए, तो गांधी जी को छोड़ दिया गया। और तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से, दो लोग गए थे वहां फर्स्ट गोल्ड मैच में पार्टिसिपेट करने, उनके प्रयासों से गांधी इरविन के बीच में वार्तालाप हुई और फाइनली 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको दिल्ली में चूंकि हुआ था इसलिए दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। और उसमें दोनों पार्टीज ने अपनी तरफ से कुछ शर्तें रखी। इरविन ने शर्त रखा कि भाई आप आंदोलन को स्थगित कर देंगे, आप टेबल होगी गोल्ड मैच सम्मेलन होगा उसमें आप भाग लेंगे, ठीक है। गांधी जी ने भी कुछ शर्त रखा कि आप नमक कर जो है नमक बनाने का अधिकार देंगे कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को, जो हिंसा वाले बंदी हैं उनको छोड़ के आप बाकी राजनीतिक बंदी जो है उनको छोड़ देंगे। तो दोनों तरफ से शर्तें रखी गई, मान लिया गया। फाइनली क्या हुआ, गांधी जी ने आंदोलन अभी ब्रेक दिया, अभी खत्म नहीं किया गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी उन्होंने ब्रेक दिया और वहां गोल्ड मेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। राजपूताना, एमएस राजपूताना जहाज से गए थे, एक बार नाम पूछा है, लंदन किससे गए थे गोल्ड मेज में भाग लेने, एमएस राजपूताना जहाज से, और बैठक होनी थी जो वहां के सम्राट का महल था सेंट जेम्स पैलेस, वहां बैठक होनी थी। बैठक में पार्टिसिपेशन किया, अन्य लोग भी गए थे, डॉक्टर अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोल्ड मेज सम्मेलन में भाग लिया था दलित वर्ग की तरफ से, इसमें और भी कई नेता गए, लेकिन वहां सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ गया, जिसको आप अभी देखेंगे कि अभी तक हिंदू मुस्लिमों और इनको था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हरिजनों के लिए भी पृथक जो है प्रतिनिधित्व की बात आ गई और गोल्ड मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिसको बाद में फिर आपने देखा होगा दे भी दिया गया हरिजनों को प्रतिनिधित्व। बाद में फिर अम्बेडकर से बात करके उन्होंने गांधी जी ने फिर तो समझौता किया, तो उसको फर्दर आगे अपन देखेंगे। तो सेकंड गोल्ड मैच हुई, सेकंड गोल्ड मैच की खास बात यह है कि देखिए गांधी जी जो है वो सेंट जेम्स पैलेस में वार्ता का लाभ करने गए, पीएम रंजन डोनाल्ड उस समय वहां के, और एक फ्रैंक मोरिस है उसका कोटेशन है, कुछ कोटेशन इसलिए बता देता हूँ मैं कि एक तो मेंस में तो लिखने के काम आएंगे आएंगे, लेकिन आपको प्रीलिम्स में भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है किसका कथन है। तो फ्रैंक मोरिस का एक कथन था बड़ा अच्छा था कि एक अदनंगे फकीर, जो क्योंकि गांधी जी सिर्फ धोती पहनते थे, तो एक अदनंगे फकीर का सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में एक दिव्य जो है प्रभाव उत्पन्न करने वाला दृश्य था, ठीक है। तो वो उनका कथन है कि सेंट जेम्स पैलेस में तो कोई टाइप पहन के बिल्कुल जाएगा सूटेड बुटेड होकर, लेकिन गांधी जी जब जा रहे थे धोती पहन के, तो अजीब सा वहां जो एक दिव्य जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। अब गांधी जी वापस आ गए जब ये कुछ जमा नहीं वहां, और गांधी जी ने आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया, अभी ब्रेक दिया था उन्होंने 32 में, और 34 में जब गांधी जी ने देखा कि अब लोगों का उत्साह कम हो गया है, तो फाइनली समाप्त कर दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात हुई। आगे की चीजें जो है हम फर्दर करते रहेंगे चीजों को, मुझे लगता है अब क्योंकि हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं 1947, एक क्लास मैक्सिमम वन क्लास लगेगी और मंडे की, अन्य विषयों में आप पूरी तरीके से तैयारी करते रहें। एक आध प्रश्न में क्योंकि मुझे तो आपका होलिस्टिक मतलब थोड़ा सा बीच बीच में टेस्ट लेते रहना है, तो देख जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपी के बाद क्वेश्चन पूछूं मैं और फिर खत्म करूं अपनी क्लास को। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि खरमोर पक्षी है अपने यहाँ, खरमोर के संरक्षण के लिए कौन कौन सी सेंचुरी है, कौन कौन सी सेंचुरी है, केन राष्ट्रीय उद्यान, केन राष्ट्रीय उद्यान, सैलाना रतलाम, सैलाना रतलाम रतलाम में है, और कौन सी है, दो है ना, दूसरी सरदार ठीक है, और वाली जो है ना सरको, जो है ना सरको, देख आपका सर एक एक किसी को बोलने दीजिए ना प्लीज ना, डाउट होता है फिर बीच बीच में।
एक काम करेंगे, हम नाम ले लेंगे इस स्क्रीन पे जो दिखेगा, ठीक है। अभी आप स्पीकर बंद कर दें। मैं जो इस क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य मेरा ये है, जस्ट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। यदि आप गौर से देखेंगे कि जो खरमौर का संरक्षण है, एक तरफ सैलाना है जो कि रतलाम जिले में आता है जो कि उज्जैन संभाग में है, और दूसरी तरफ आप जाएंगे वहीं नीचे सरदारपुर पर पड़ेगा जो कि धार में है, इंदौर संभाग में। तो रतलाम और धार की बाउंड्री टच होती है। आप इधर का पोर्शन, जब पश्चिम वाला पोर्शन एमपी में देखेंगे तो नीमच, मंदसौर, फिर रतलाम, फिर झाबुआ, इधर धार। तो भाई जो खरमौर है वो एक ही एरिया में तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि इधर इधर यहाँ पर मिलेगा एक खरमौर, दूसरा सीधी में मिलेगा। जनरली क्या होता है, पर्टिकुलर लोकेलिटी होती है, तो वहीं आपका तुरंत याद हो जाने चाहिए कि वहीं पे आपका सरदारपुर धार में है और वहीं सलाना रतलाम में है। सेम हम बात करें सोन चिरैया की, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, इसका भी एक लोकेशन फिक्स है। इसके डिस्ट्रिक्ट आपस में लगे हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। ग्वालियर में घाटी गांव और शिवपुरी में कौन सा, करेरा। कभी हमने डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, आगे आपको पता ही है घाटी गांव और करेरा दोनों लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए एरिया आपको बढ़ गया ना, आप अलग अलग, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ें तो अप्रोच इस तरीके से आप रखें कि आप साठ नोट्स इसी को तो कहते हैं कि आप एक टेबल फॉर्म में बना लिया। कि देखिए जब आप याद कर लेंगे कि आपका सैलाना और सरदारपुर दोनों जो साथ से स्टार्ट है, बिल्कुल रतलाम और झारधार एक ही लोकेलिटी में लगे हुए हैं, आप एमपी का नाम तो पूरा याद कर लीजिए, आपके आंखों के सामने होना चाहिए। हमने बोला कि धार यहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि धार कहाँ पे, तुरंत होशंगाबाद कहाँ है, हरदा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, निवाड़ी जो नया बना है कहाँ है, हर चीज बिल्कुल मैप। यदि आपको एमपी का तो मिनिमम याद होना ही चाहिए एमपीपीएससी वालों को, बाद में फिर इंडिया का भी याद रहता ही है, वर्ल्ड का भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने एक अलग कैटेगरी बना ली, सोन चिड़िया के लिए आपने अलग बना ली कि यार ये ग्वालियर और ये शिवपुरी वाला जो बेल्ट है। इसी तरीके से जब आप इसकी बात करेंगे, घड़ियाल की बात करेंगे, तो आपको पता है कि घड़ियाल जो है वो वाटर बॉडीज में भी पाए जाएंगे। आपने केन और सोन और राष्ट्रीय चंबल वाली बात कर ली, तो इस तरीके से कैटेगरी वगैरह बना के दो चीजें होती है, तो याद करने वाली चीजें होती हैं और दूसरा क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स की सिंपल चर्चा करें कि एक कंज्यूमर सरप्लस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, ये बताएं और फिर खत्म करें क्लास। कंज्यूमर सरप्लस किसी को पता है, उपभोक्ता की बचत क्या होता है, मार्शल ने दिया था इसको, सर जॉन मार्शल इकोनॉमिस्ट जो है। तो ये कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ी कठिन चीज है, ये सब वो जो ये तो थ्योरी दी गई है, लेकिन ये अपने बीच में सही होती है। देखो तो ये थ्योरी क्या है, बड़ा सिंपल सी थ्योरी है। आप कोई शर्ट लेने गए, सपोज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप कोई शर्ट लेने गए किसी दुकान में, अब सपोज बार्गेनिंग वाली दुकान है जहां बार्गेनिंग होती है, उसमें 900 लिखा हुआ है, प्रिंट है। अब आपने अंदर से सोच लिया है कि यार ये 700 तक की देगा तो मैं इसको ले लूंगा, ठीक है, आपने 700 तक की सोचा है, लेकिन आप 700 बोलेंगे तो बात बनेगी नहीं, आप उसको 600 बोलेंगे। आपने देखिए यहाँ विलिंगनेस टू पे की बात है, आपने सोच के क्या रखा है कि 700 तक की देगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपने दुकान वाले को नहीं बताया, ठीक है, अंदर से सोच के रखा, लेकिन आपने 600 बोला कि यार 700 के बाद फिट हो जाएगी, आपने 600 बोला कि नहीं यार 600 की दे दो। अब हो सकता है कि वो 600 की दे दे, 650 की दे दे। आपने सोचा मैक्सिमम कितना पे करना चाह रहे थे, विलिंगनेस टू पे कितना था आपका, 700, बस उसने आपको 650 में दे दिया, तो जो डिफरेंस हुआ, सपोज 600 में दे दिया तो आपने सोच के कितने रखा था, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे, इसका फार्मूला जो है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे, तो आपने 700 सोचा था बट आपने 600 में बात हो गई, तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लारेंज कर्व जो है, गिनी गुणांक है, जब आप इसमें पॉवर्टी में जाते हैं, एक ये सब लूसेंट में लिखा हुआ है, तो ये इजी चीजें हैं, बस उसको समझना पड़ रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट दो चीजें करें, एक तो कॉन्सेप्ट समझे और दूसरा फैक्ट जो है याद रखें, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। धन्यवाद, अगली क्लास में मंडे में मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।